हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्ले पर रिलीज़ हुआ एक नया हॉरर कॉमेडी शो जिसका नाम है आपके कमरे में कोई रहता है। इसमें आपको टोटल 5 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 15 मिनट से लेकर 20 मिनट्स के बीच में। ये सीरीज़ की कहानी वैसे तो फोकस करती है चूती और बैचलर्स पे, लेकिन वो सब तो आप लोग इस शो में देख लोगे। खैर, बात करेंगे शो के मेन प्लॉट की, जो कि शुरू होता है 4 दोस्तों से जो कि मुंबई शहर में आते हैं काम करने के लिए, लेकिन बैचलर होने की वजह से इनको कोई भी सोसाइटी में रूम नहीं मिलता है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इनको एक ऐसी बिल्डिंग में रहने को घर मिलता है जो बिल्डिंग शमशान भूमि के ऊपर बनी है। अब उसके बाद इन चारों दोस्तों के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर सीरीज़। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो आपको कहानी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि यार हमने इससे पहले ये कहानी पे बहुत सारी मूवीज़ या सीरीज़ देख चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यस, आप लोग करेक्ट सोच रहे हो, लेकिन जिस तरह से शो को एग्जीक्यूट किया है ना, वो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं पर भी बोर नहीं करेगा। और ये शो को देखने से पहले मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन लेके शो को देख रहा था सिर्फ रिव्यू करने के लिए, लेकिन जैसे ही फर्स्ट एपिसोड के कुछ सीन्स हुए उसके बाद पूरी तरह से मैं गलत साबित हो गया। और ये शो मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कई कुछ ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने मिली। इवन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट हॉरर कॉमेडी मूवी मैंने अक्षय कुमार की देखा था, जिस मूवी का नाम था लक्ष्मी, ये सीरीज़ उससे भी कई ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर तो आपको बिल्कुल हंसी भी नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी सिचुएशनल कॉमेडी देखने मिलेगी जिस वजह से आप लोग हंसने पर मजबूर हो जाओगे। उसके अलावा शो में आपको जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही हिलेरियसली और बहुत ही रियलिस्टिक वे में लिखा है। कि अगर कोई 4 बैचलर हो गए तो उनके बीच में कुछ इसी तरीके की चीज़ें होगी आप ये शो में विटनेस करोगे। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी मुझे ठीक ठाक लगी। हाँ, कुछ जगह पर जो VFX है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब इस तरीके की लो बजट की सीरीज से आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे। हालांकि यहाँ पर इतने VFX भी नहीं है। क्या शो का BGM भी मुझे ओके लगा, लेकिन हाँ, एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। लेकिन इस शो की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो थे इसके डायलॉग्स काफ़ी फनी है, और जिस तरीके से एक्टर्स ने यहाँ पर वो डायलॉग्स बोले हैं, और स्पेशली यहाँ इंसान पोजेस हो जाता है। अब वो कौन पोजेस होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जो कॉमेडी होती है ना वो बहुत मज़ा आता है। इसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, और यहाँ पर हमें शक्ति कपूर का एक कैमियो भी देखने को मिलेगा। अब शक्ति कपूर यहाँ पर किस रोल में है वो तो आप लोग इस शो में देख लेना। खैर, अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यस, ये शो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ किसिंग सीन है, ज़्यादा नहीं है, कुछ किसिंग सीन है, तो वो आपके ऊपर है आपको देखना है या नहीं। खैर, मैं शो की रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 8/10। ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड शो था मेरे लिए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त होगा, इतना एंटरटेनिंग होगा। एटलीस्ट मेरे लिए ये एंटरटेनिंग था, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन आपको इतना ही बोलूँ कि MX Player Beta पे ये फ्री में अवेलेबल है, आप लोग ट्राई करो। अगर आपको फर्स्ट सेकंड एपिसोड अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि ज़्यादा एपिसोड्स है नहीं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।